बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए अत्याचार के खिलाफ हिंदू महासभा एवं सनातनी संगठन द्वारा विशाल जन आक्रोश रैली। उज्जैन, बांग्लादेश में हो रही हिंदू विरोधी गतिविधियों एवं हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में अखिल भारत हिंदू महासभा नगर एवं जिला इकाई व समस्त हिंदू समाज के द्वारा दिनांक 16/8/2024 शुक्रवार को शाम 5 बजे शहीद पार्क से टावर चौक तक पैदल मार्च निकालकर जन आक्रोश व्यक्त कर रैली निकाली गई। यह रैली पूर्ण रूप से पीड़ित हिंदू समाज के पक्ष की थी। जरूरत पड़ने पर हिंदुस्तान में अखिल भारत हिंदू महासभा उग्र आंदोलन करेगा एवं माननीय प्रधानमंत्री जी से मुलाकात कर इस विषय पर कड़ा निर्णय लेने का निवेदन करेगा। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से हिंदू महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष पंडित गोपाल व्यास, जिला अध्यक्ष गौरव शर्मा, जिला उपाध्यक्ष भवानी शंकर सोनी, जिला महामंत्री जय किशन वंश द्वारा, उज्जैन नगर अध्यक्ष अनिल जोशी, नगर मंत्री आनंद शर्मा एवं सैकड़ों कार्यकर्ता व समस्त हिंदू समाज उपस्थित रहा। उक्त जानकारी जिला मीडिया प्रभारी पंकज सिसोदिया के द्वारा दी गई। उज्जैन से SB न्यूज नगर संवाददाता महेश शर्मा की खास रिपोर्ट। छात्रों का उग्र प्रदर्शन हुआ और वो उग्र प्रदर्शन धीरे 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 सरकार का हो गया बड़ा हो गया और इतना ज़्यादा उसमें वहाँ के कट्टरपंथी लोग शामिल हो गए और ताकि सरकार पर आन बढ़ सकता है। उसके साथ साथ बांग्लादेश में हमारे जो काफ़ी हिंदू रहते हैं उन सबके ऊपर जो अत्याचार हुए और अत्याचार क्रूर अत्याचार, उनकी संपत्तियों को जला देना, छीन लेना, उनका सामान लूट ले जाना, बच्चों को उठा ले जाना और सामूहिक रूप से उनको नमाज अदा करवाना, सामूहिक रूप से उनका सम्मानकरण कराना, इस प्रकार का जो विभाषण है कुप्रत्य किया गया उसके विरोध के कारण, क्योंकि वो बांग्लादेश में हुआ है, हम भारत में रहने वाले हिंदुओं का भी ये कर्तव्य बनता है कि हम अपनी बात वहाँ तक पहुँचाएँ और ये जन आक्रोश रैली हमारी बात को पहुँचाने का एक सशक्त माध्यम है और इस माध्यम से हमारी बात वहाँ तक पहुँचेगी। और कल हमने देखा है भारत के प्रधानमंत्री ने भी अपने भाषण इस विषय को उठाया और इसकी चिंता की, तो हमें विश्वास है और हम इस रैली के माध्यम से अपना आक्रोश भारत सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। भारत सरकार उस पर कार्रवाई करे और जो भी वहां पर हमारे बाशिंदे हैं, छात्रों को तो हम निकाल लाए लेकिन जिनके ज़मीन जायदाद सब कुछ है वहाँ पर, उनको कैसे क्या हम करेंगे? हम बहुत चिंतित हैं और इस विषय को लेकर भारत सरकार से ये आग्रह करते हैं कि इसका कोई प्रसन्न निकाले और उनकी सुरक्षा का भरपूर ध्यान। धन्यवाद।